बहुत बहुत अभिनंदन है। ये हमारे जो डॉक्टर दयानंद ध्रुव जी महाराज वृंदावन से पधारे हैं, बड़ी सौभाग्य की बात है आप आए। तो कुछ लेके आए क्या? अच्छा, कैसी रही? खड़े हो जाओ परिचित महाराज। जैसा कि हमने बताया वृंदावन में ही आश्रम है महाराज जी का, और डॉक्टर दयानंद ध्रुव गिरि जी जो बनारस से इन्होंने पढ़ाई की है, महाराज जी आशीर्वाद दे देना। भगवान श्री कृष्ण के बारे मथुरा में उग्रसेन और देवक ये दो भाई, सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन पवन रेखा ने नहीं जाना, ये राक्षस है हमारे पति। अंत में जब अपने रूप में आ गया तो एक बात कही, दुष्ट अगर मैं पहले जान लेती तुझे श्राप देकर के जला के भस्म कर देती। घर लौट करके आए, धीरे धीरे जब समय बीता है तो पवन रेखा के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जो आंधी तूफान मचने लगे। आंगन में जब सपूत पुत्र पैदा होता है तो सपूत जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, और जब कपूत पुत्र होता है तो कपूत जैसे। आंधी तूफान मचाने लगे, हुआ क्या?